हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। दोस्तों, आप में से कई लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर, हमारा अगर सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर अगर किसी कंपनी में सिलेक्शन होता है तो वहां पर हमें साइट पर या फिर ऑफिस में जो है कौन से काम करने हो सकते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, आप में से किसी का अगर सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर अगर किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो उस पर्सन को जो है पता होना चाहिए कि आपकी वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी जो है उसकी अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो आपको दे सकते हैं, तो उसमें से कॉमन जो है आपकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपका सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर किसी कंपनी में सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको जो है एक पर्टिकुलर जो एरिया है साइट का वो दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो एरिया है यहां पर जो है आपको सुपरविजन का वहां पर काम करना है और उस एरिया में जो भी सेफ्टी देखना है वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका जो जो पर्टिकुलर एरिया है जो आपको दिया है, तो सबसे पहले जैसे ही आप मॉर्निंग में वहां पर साइट पर जाते हो तो वहां पर उस एरिया में जो भी वर्सन वहां पर काम करने वाले हैं तो उन सबका जो है टीबीटी जो है वो कंडक्ट किया गया है क्या, उसको आपको इंश्योर करना है। अब वहां पर मॉर्निंग में जो भी काम होने वाला है उसके बारे में वहां पर टीबीटी कंडक्ट हो जाता है। टीबीटी कंडक्ट होने के बाद जो भी पर्सन वहां पर अवेलेबल है उन सभी का जो है आपको नेम और सिग्नेचर जो है वहां पर लेना है, यानी कि टीबीटी में कितने पर्सन जो है वो वहां पर अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब आपको जो है इसकी जो रिपोर्ट है क्लाइंट को भी भेजनी होती है या फिर आपकी जो मैनेजमेंट है उनको भी भेजनी होती है कि आपके एरिया में इतने टीबीटी में इतने पर्संस थे, यानी कि इतना जो है वो मैनपावर है। अब मैनपावर जो है वो टीबीटी के माध्यम से जो है आपने यहां पर कलेक्ट कर लिया। अब आपको जो है दूसरा काम करना है वो है कि जो भी काम आपके साइट पर होने वाला है तो वहां पर उसका प्रॉपर PTW है क्या, यानी कि परमिट टू वर्क है क्या, वो आपको चेक करना है। अब वो आपको कैसे चेक करना है, तो जो भी कंसर्न इंजीनियर जो भी काम करा रहा है उस एरिया में तो वहां पर जो है उसके पास जाना है और जाकर जो है उसको पूछना है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका परमिट आपके पास है क्या। अब परमिट के भी कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं, उसमें भी जनरल वर्क परमिट हो गया या फिर स्पेसिफिक जॉब जो है वो भी परमिट होता है। अब जनरल वर्क परमिट जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो 7 दिन की होती है, लेकिन हर दिन जो है उसको वहां पर रिन्यू किया जाता है, तो जो भी कंसर्न इंजीनियर वहां पर काम करा रहा है उसको वो जो है वो वहां पर रिन्यू करेगा, तो वो डेली बेसिस के पर उसको रिन्यू कर रहा है क्या, उसको आपको चेक करना है। इसके अलावा अगर वहां पर स्पेसिफिक अगर कोई भी अगर जॉब हो रहा है, जैसे कि हायरिक्स वाला जॉब हो या फिर कन्फाइन स्पेस का अगर जॉब हो, तो उसके लिए उस जॉब के रिलेवेंट जो है वो परमिट वहां पर अवेलेबल है क्या, वो आपको चेक करना है और देखना है कि कोई भी जो काम है वो परमिट के बगैर वहां पर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने कोई भी काम ढूंढ लिया जिसका कोई भी परमिट नहीं है तो आपको जो है तुरंत में वो काम बंद करना है, क्योंकि विदाउट परमिट जो है काम करना ये एक वायलेशन है। अब आपको यहां पर दो बातें समझ में आ गई, यानी कि सबसे पहले जो है टीबीटी जो है उसका मैनपावर जो है आपको कलेक्ट करना है और दूसरा जो है आपको परमिट जो है वो इंश्योर करना है। थर्ड चीज है कि आप जो है जैसे ही साइट पर जो है सभी इंगेज हो जाते हैं, सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर जो है काम पर लगा लेते हैं सभी वर्कर्स को, तो आपको जो है साइट का इंस्पेक्शन करना है। साइट के इंस्पेक्शन में आप देख सकते हो कि जो भी पर्सन जो भी वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं तो उन्होंने जो है जॉब के रिलेवेंट जो है वो PPEs वहां पर पहने हैं क्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कोई अगर वेल्डिंग का जॉब कर रहा है तो उसने जो है उसका जो मैंडेटरी PPE है जैसे कि सेफ्टी शूज हो गया या फिर हेलमेट वगैरह जो है वो पहनते हैं, तो इसके अलावा उसके पास जो है वेल्डिंग के दौरान जो है उसने लेदर हैंड ग्लव्स पहने हैं क्या, उसने वेल्डिंग हुड जो है वो भी पहना है क्या, तो ये भी जो चीजें हैं आपको वहां पर चेक करनी है। साथ ही साथ जो भी वेल्डिंग मशीन से वो वेल्डिंग कर रहा है तो वो वेल्डिंग मशीन की जो कंडीशंस है वो सही है क्या, वो भी आपको चेक करना है। इसके अलावा साइट के विजिट के दौरान कोई भी अनसेफ पैक या फिर अनसेफ कंडीशन कोई अगर आपको देखता है तो उसको जो है आपको नोट डाउन करना है और उसके बारे में जो है कंसर्न जो भी वहां पर इंचार्ज रहेंगे उसको इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद है कि आपके साइट पर अगर कोई क्रेन अगर आती है काम करने के लिए कोई भी लिफ्टिंग का जॉब हो तो वहां पर उस क्रेन के डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहां पर चेक करने हैं। साथ ही साथ जब भी उस क्रेन से कोई लिफ्टिंग अगर होती है तो आपको इंश्योर करना है कि वो जो लिफ्टिंग एरिया है वो बैरिकेड है और वहां पर किसी भी अनऑथराइज पर्सन की वहां पर एंट्री ना हो, वो भी आपको वहां पर इंश्योर करना होता है। इसके अलावा आपको साइट विजिट के दौरान देखना है कि जो भी प्रॉपर एक्सेस है जहां पर काम होने वाला
करता है तो वो जो एक्सेस है वहां पर कोई भी जो है वहां पर अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, अगर है तो उस एक्सेस को जो है आपको वहां पर क्लियर करना है। और उसके लिए जो है आपको जो भी पर्सन वहां पर काम कर रहे होंगे उनको बताना है या फिर उसके जो सुपरवाइजर होंगे उनको बताना है कि ये जो एक्सेस है ये ब्लॉक हुआ है, इसको जो है आपको क्लियर करना है करके। और साइट पर जो भी रिक्वायर्ड साइनेजेस है वो वहां पर अवेलेबल है क्या, उसको भी आपको चेक करना है। अब इसके अलावा जो है आपको साइट विजिट के दौरान जो है कई सारे इंस्पेक्शन भी करने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वेल्डिंग इंस्पेक्शन हो गया, गैस कटिंग अगर चल रही है तो गैस कटिंग सेट का भी आपको वहां पर इंस्पेक्शन करना है, ग्राइंडिंग मशीन से अगर कोई अगर काम कर रहा है तो आपको वहां पर देखना है कि ग्राइंडिंग मशीन में प्रॉपर गार्ड लगा है कि नहीं लगा है, अगर कोई स्कैफोल्डर जो है अगर ऊंचाई पर काम करना चाहता है तो उसके पास जो है वर्क एट हाइट का जो है वो पास है क्या, या फिर वर्क एट हाइट का उसका जो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग है क्या, जो ऑथराइज पर्सन है वही जो है वो स्कैफोल्डिंग का काम कर सकता है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है ऐसे साइट पर जो है आपके काम होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको ऑफिस में अगर काम करना पड़ेगा तो वहां पर जो है आपको कौन से काम करने हो सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहला है कि आपको HSE इंडक्शन या फिर सेफ्टी इंडक्शन जो है वो कंडक्ट करना होता है। अब सेफ्टी इंडक्शन जो है वो नए लोगों का करना होता है, जैसे कि आपके साइट पर नए कोई भी अगर वर्कर्स आते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो साइट पर काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं। सेफ्टी इंडक्शन में जो है आपको उनको जो है साइट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है कि साइट पर जो है कौन कौन सी एक्टिविटी चालू है, वहां पर कौन सा एरिया का क्या नाम है, कौन सी एक्टिविटी में आपको कौन से खतरे का सामना करना हो सकता है और उसके लिए जो है आपने क्या वहां पर प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है सेफ्टी इंडक्शन के माध्यम से जो है उन सभी को प्रोवाइड करनी है। और जितने भी पर्सन का आपने वहां पर सेफ्टी इंडक्शन लिया है तो उन सभी का जो है नाम और सिग्नेचर जो है आपको वो जो सेफ्टी इंडक्शन का फॉर्मेट जो रहेगा, जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसके ऊपर लिखना है। और सेफ्टी इंडक्शन की जो भी आपकी फाइल रहेगी उसमें जो है उस पर्सन का जो है वो डाटा आपको वहां पर रखना है। फिर उसके बाद है कि जो नए पर्सन है उनको जो है आपको पीपी जो है वो भी इशू करना होता है। तो किस पर्सन को जो है आपने पीपी इशू किया है उसका भी जो रिकॉर्ड है वो आपको जो है मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी टीवीटी होती है तो उसका जो है आपको एक फाइल जो है कंपाइल करना होता है। फिर उसके बाद है कि आपको जो है वहां पर HSE ट्रेनिंग जो है वो भी कंडक्ट करनी होती है, यानी कि कोई अगर पर्सन जिसको वहां पर स्पेसिफिक अगर टास्क करना है, जैसे कि वर्क एट हाइट का अगर उनको टास्क करना है तो वर्क एट हाइट के रिलेटेड जो है उनको आपको जो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वहां पर कंडक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी मीटिंग हो या फिर HSE मीटिंग हो उसका जो है शेड्यूल आपको प्रिपेयर कर सभी को जो है सर्कुलेट करना होता है कि इस दिन जो है ये मीटिंग है तो सभी को जो है यानी कि सभी जो डिपार्टमेंट है उनको जो है यहाँ पर इस मीटिंग में इस वक्त जो है वो आना है और उस मीटिंग को जो है आपको वहां पर लीड भी करना हो सकता है। फिर उसके बाद है कि डेली रिपोर्ट हो, वीकली रिपोर्ट हो या फिर मंथली रिपोर्ट जो है उसको भी आपको प्रिपेयर कर आपको जो है उसको क्लाइंट को या फिर आपका जो रीजनल ऑफिस हो या फिर जहां पर भी आपकी रिपोर्टिंग होती है उसको वहां पर सेंड करना होता है। अब अगर आपको ऑफिस में अगर काम दिया है इसका मतलब ये है कि आपको जो है कंप्यूटर के बारे में जो है थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको जो है MS Excel हो गया, MS PowerPoint हो गया या फिर MS Word हो गया तो इसके ऊपर जो है काम करना आपको आना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स है या आपको इसी के ऊपर जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। तो ओवरऑल हमने यहां पर देखा कि आपको जो है HSE इंडक्शन कंडक्ट करना होता है, TBT जो है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, फिर उसके बाद देखा कि आपको PP का जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करना है, फिर उसके बाद है कि मीटिंग का जो शेड्यूल है उसको आपको प्रिपेयर कर उसको सर्कुलेट करके मीटिंग को लीड करना है और वहां पर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो भी बनाने हैं। फिर उसके बाद है कि डेली हो, वीकली हो या फिर मंथली जो भी रिपोर्ट होती है उसको आपको प्रिपेयर कर उसको जो है क्लाइंट को या फिर आपकी जो मैनेजमेंट है उसको सेंड करना होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपको जो है स्पेसिफिक जो है वो ट्रेनिंग भी कंडक्ट करना हो सकता है और इन सबके लिए जो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको ये जो सारे काम है ये आपको ऑफिस में करने होते हैं, इसके अलावा भी जो है कई सारे काम आपको करने होते हैं लेकिन ये डिपेंड होता है आप जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हो। अब मैंने जो आपको यहाँ पर बताया है ये कुछ स्पेसिफिक ही जो है मैंने आपको यहाँ पर काम बताया है, इसके अलावा भी आपको कई सारे जो काम है वो साइट पर या फिर ऑफिस में करने पड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।